हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो से मैट्रिक स्पीच का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। उस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैट्रिक स्पीच का डेफिनेशन और उसका कुछ एग्जाम्पल। तो आप मैट्रिक स्पीच को अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियो को आप देखिएगा, ताकि मैट्रिक स्पेस जो है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, तो मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन भी पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले डिफाइंड कैसे किया गया है उसको देखते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है एक्स, और ये मैट्रिक ऑन एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। अब क्या करना है, एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स के साथ ही करना है। एक्स का एक्स के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आर में, इस एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक फंक्शन डिफाइन करना है, और उस फंक्शन को डी कह रहे हैं। डी एक फंक्शन है, यानी कि जो हम लोग सेट ले रहे हैं यहाँ पर वो डोमेन में एक्स क्रॉस एक्स ले रहे हैं और उससे आर में एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, और ये फंक्शन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि डी जो फंक्शन ले रहे हैं एक्स क्रॉस एक्स से आर में, वो एक प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है देखो, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि सबसे पहले कोई भी एक्स वाई पेयर का हम लोग डी निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे सपोज करो एक्स में अगर एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई, सपोज करो, तो एक्स क्रॉस एक्स में कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स कॉमा वाई क्रॉस एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। सपोज कर लो, ये मान लो हम लोग दो एलिमेंट अभी फिलहाल ले रहे हैं, तो एक्स क्रॉस एक्स में ये चार एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई ये पेयर तो है ना, अब इस पेयर का यहाँ पर जब हम लोग इमेज निकालेंगे तो ये डी फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका इमेज क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डी ऑफ एक्स वाई आएगा वो कैसा नंबर आना चाहिए, रियल नंबर। और साथ में ये कहता है कंडीशन कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रियल तो नंबर होगा लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा एक्स कॉमा वाई का, जो डी इमेज आएगा वो ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है कि इसका वैल्यू जीरो के बराबर तभी होगा जब एक्स इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन तो जीरो है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो के बराबर तभी होगा जब ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाए। बोथ साइड इम्प्लाइज लिखा हुआ है, अगर डी का वैल्यू जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो डी का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल टू जीरो होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन, डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू निकालें या डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू निकालें, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस रूल को कहते हैं, इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं सिमेट्री, सिमेट्री ऑन डी, ठीक है। और एक थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये क्या कंडीशन है, अभी एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
अगर डी फंक्शन ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में अगर डिफाइंड है तो इस डी को कहते हैं मैट्रिक। ये मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी डी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मैट्रिक। ये मैट्रिक ऑन एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मैट्रिक जो होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है एक्स क्रॉस एक्स से आर में, जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब आगे देखो, ये मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्टेंस फंक्शन। इस मैट्रिक जो आ रहा है, मैट्रिक क्या है, एक फंक्शन है। मैट्रिक जो है वो एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर में, उसी फंक्शन को हम लोग कह रहे हैं मैट्रिक, जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कोई मैट्रिक डिफाइंड हो रहा है तो इस मैट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड द नॉन नेगेटिव रियल नंबर डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई हमेशा नॉन नेगेटिव है, इस कंडीशन से कभी भी नेगेटिव इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर डी ऑफ एक्स वाई इज टू बी थाउट ऑफ एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये डिस्टेंस यहाँ पर इमेजिन किया जाता है कि ये डिस्टेंस है, एक्स और वाई को डिस्टेंस जैसा सोचा जाता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्टेंस ही बताएगा, लेकिन डिस्टेंस जैसा ये सोचा जाता है कि ये डिस्टेंस बता रहा है, कि ये डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई बता रहा है। हमेशा सभी में ये डिस्टेंस नहीं बताएगा, लेकिन ऐसा हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो डिस्टेंस जैसा सोच करके ही आगे हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये हमेशा डिस्टेंस नहीं बताता है। अब जरा समझो, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ पर r क्रॉस r से r में एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग d कह रहे हैं। जरा ध्यान देना, r क्रॉस r का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं x और इसका भी कोई नंबर लेते हैं y, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर वो r क्रॉस r का मेंबर होगा। और r क्रॉस r से हम लोग इस तरीके से डिफाइंड कर रहे हैं फंक्शन, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। जैसा समझोगे, मान लो आर में ये तो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, टू थ्री फोर या रूट थ्री या वन बाय टू या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फिर आर में भी वही सब नंबर है, सेम नंबर, कोई भी रियल नंबर है ये, तो ये रियल नंबर है। और r क्रॉस r का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो r क्रॉस r का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, जैसे 2 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, इस तरीके से 2 रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा जो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, r क्रॉस r से r में एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं। r क्रॉस r जो है यहाँ सेट, उससे हम लोग R में एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है जैसे 2 और 3 है, तो इसका इमेज क्या होगा, इसका इमेज निकालने के लिए हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। 2 3 का मतलब हो गया मॉड 2 माइनस 3। यहाँ पर वही डिफाइन कर रहे हैं कि d ऑफ x y इक्वल टू मॉड x माइनस y। जैसे यहाँ पर 2 3 अगर हम लोग इसका पेयर ले लेते हैं और इसमें अगर हम लोग d इमेज लगा d फंक्शन लगाते हैं तो d ऑफ 2 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड 2 माइनस 3। अब ये मॉड 2 माइनस 3 क्या बता रहा है, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। नंबर लाइन पर अगर हम लोग लिखते हैं 2 को और 3 को, तो मॉड 2 माइनस 3 ये जो डिस्टेंस है ये बता देगा। इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं मॉड 2 माइनस 3। तो ये मॉड 2 माइनस 3 इसका डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर हम लोग जो डी ऑफ एक्स वाई लिख रहे हैं ये क्या बता रहा है, नंबर लाइन पर हम लोग एक्स और वाई ले रहे हैं और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर लाइन पर हम लोग दो नंबर ले लेते हैं एक्स और वाई, और उसके बीच का ये डिस्टेंस बता रहा है मॉड एक्स माइनस वाई। अब ये जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, देखो ये r क्रॉस r से r में डिफाइंड हो रहा है, यानी सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पर r क्रॉस r का कोई भी मेंबर लेंगे तो मॉड 2 माइनस 3 निकालेंगे, क्या एक रियल नंबर आएगा, ये तो एक रियल नंबर ही आएगा। जब भी दो रियल नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस निकालेंगे वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो r क्रॉस r से r में ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। अब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं ये हम लोग चेक कर लेंगे। तो जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है यहाँ पर कि d ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, क्योंकि ये मॉडुलस है ना,
तो मॉडुलस है तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये कोई भी हम लोग x और y ले लेते हैं रियल नंबर का वैल्यू, यहाँ पर तो रियल नंबर ही नहीं लिखना है, ये x जो है वो भी रियल नंबर है और y भी क्या है रियल नंबर, तो कोई भी x y अगर ले लेते हैं तो जब d ऑफ x y निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये मॉडुलस है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि ये फंक्शन जो डिफाइंड कर रहे हैं वो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सेकेंड कंडीशन था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स माइनस वाई और इक्वल टू जीरो। अब मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है तो बताओ किस नंबर का मॉडुलस जीरो होता है, जब नंबर जीरो हो तभी ना मॉडुलस जीरो होता है। तो मॉड हटा देते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, अगर नंबर जीरो रहे तभी उसका मॉडुलस जीरो होता है। और यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, क्या ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन के बारे में देखते हैं कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या मीनिंग होगा कि मॉड एक्स माइनस वाई, और डी ऑफ एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई यही डिफाइंड किया हुआ है। तो मॉड एक्स माइनस वाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड वाई माइनस एक्स, क्यों मॉड में अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ज़रा ध्यान देना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स नेगेटिव हो जाएगा। और तुम जानते हो कि माइनस एक्स का मॉडुलस और एक्स का मॉडुलस दोनों सेम होता है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी जो माइनस एक्स का मॉडुलस और एक्स का मॉडुलस सेम होता है। तो यहाँ पर माइनस हटा भी देंगे, सिर्फ एक्स का मॉडुलस रखेंगे तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर माइनस हटा दो, मॉड वाई माइनस एक्स लिख जाते हैं। और जरा ध्यान देना, डेफिनेशन में अगर एक्स माइनस वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई है, और यहाँ वाई माइनस एक्स का मॉडुलस है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, ये लिख सकते हैं। तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स हो गया। ये क्या बता रहा है, ये सिमेट्री प्रॉपर्टीज कहलाता है डी का। तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब चौथा कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन के बारे में जरा समझोगे। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई, ये क्या बता रहा है, मॉड एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग जेड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर जेड को ऐड भी कर देते हैं, ये दोनों एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक ब्रैकेट में। अब बताओ ये एक प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टी से मॉड एक्स प्लस वाई के फॉर्म में यहाँ पर है, दोनों में अगर मॉडुलस लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। और जरा ध्यान देना, तो अब डी एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, जैसे मॉड एक्स एक्स माइनस वाई को डी ऑफ एक्स वाई लिख रहे हैं तो मॉड एक्स माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड कॉमा वाई। तो क्या फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो है, अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड करते हैं आर क्रॉस आर से आर में, तो वो चार जो कंडीशन बता रहे थे अभी मैट्रिक के लिए, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सबसे पहले तो डी का जो भी वैल्यू आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। दूसरा, डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो करते हैं तो उस समय एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, ये बोथ साइड इंप्लाइज, अगर इसको जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई आता है, एक्स इक्वल टू वाई करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तीसरा कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स भी आ रहा है। और फोर्थ कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस डी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक ऑन आर, ये मैट्रिक हो गया। किस सेट में डिफाइंड हो रहा है, सेट आर में डिफाइंड हो रहा है। क्या कोई दिक्कत किसी को, अगर जरा ध्यान देना, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक स्पेस इज ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इक्विप्ड विथ ये मैट्रिक डी। डी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक, और जिस सेट में डिफाइंड है उस सेट और इस दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो इसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ध्यान देना, डी अगर, ये तो डी एक मैट्रिक हो गया जो किस सेट में डिफाइंड है, एक्स में। तो पहले हम लोग सेट लिखेंगे और उसके साथ जो मैट्रिक डिफाइंड किए हैं उसको लिख जाते हैं, तो ये पूरे को हम लोग कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ये दोनों अगर एक साथ लिखेंगे तो उसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस, एंड इट
इज डिनोटेड बाय द पेयर और इस पेयर से डिनोट करते हैं, या सिंपली बहुत जगह लिखा जाता है सिर्फ एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस, वहां पर डी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स कॉमा डी इज ए मैट्रिक स्पेस, और सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस। तो एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस लिख रहे हैं मतलब वहां पर डी जरूर होगा, यानी कोई ना कोई मैट्रिक जरूर डिफाइंड होगा, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। मैट्रिक मीन्स क्या हुआ, मैट्रिक एक फंक्शन हो गया, तो एक फंक्शन जरूर मिल जाएगा। अगर एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है तो एक डी जरूर फंक्शन मिल जाएगा जो एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइंड होगा, जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस, तो यहाँ पर सोच लेना पड़ेगा कि कोई ना कोई फंक्शन डिफाइंड होगा डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या क्लियर है ये? तो फिर से एक बार देख लो कि मैट्रिक है क्या। मैट्रिक जो है वो एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर में, एक फंक्शन है, ये नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक फंक्शन डिफाइन किया गया और जो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि डी का जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, डी ऑफ एक्स वाई अगर जीरो के बराबर है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, और डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, और डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं जरा ये ध्यान देना। देखो तुम लोग ट्राइंगल में जानते हो कि किसी भी एक साइड जो है वो दो साइड के सम से लेस देन और इक्वल टू होता है, तो ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इक्वल टू तो कब होता है जरा ध्यान देना, इक्वल तब होता है जब ये तीनों कोलिनियर हो, बी ए और सी, या यहाँ लिखो ऐसा लिखते हैं, ए यहाँ पर और यहाँ पर बी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं। देखो ए सी और बी सी दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर। लेकिन अगर ट्राइंगल की बात करें तो किसी भी ट्राइंगल का एक साइड जो होता है वो बाकी दो साइड के सम से लेस देन होता है। इक्वल टू तब होता है जब ये तीनों क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स जेड और जेड वाई के डिस्टेंस के सम से लेस देन है या फिर इक्वल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाता है ये, और ये कहलाता है सिमेट्री, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी कि इंटरचेंज करने से कोई फर्क डी फंक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे, उससे डी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गया और ये सिमेट्री हो गया। अब इसको डिस्टेंस फंक्शन ही क्यों कहते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ना कि मैट्रिक डी इज ऑल्सो कॉल्ड ये डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो अभी जो हम यहाँ पर एक एग्जांपल जो बता रहे हैं क्या वो डिस्टेंस बता रहा है, ये तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, तो एक बेसिक एग्जाम्पल हो गया ये। तो ये डिस्टेंस से डिफाइंड किया गया है, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला गया है इसीलिए इसको डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, और हम लोग ये डिस्टेंस ऐसा सोचते भी हैं क्योंकि आगे समझने में आसानी होगा जब किसी भी थ्योरम वगैरह को समझेंगे तो वहाँ डिस्टेंस जैसा अपना एक इमेजिन करके चलेंगे तो समझना आसान होगा। ऐसा ये हमेशा डिस्टेंस बताता हो ये ज़रूरी नहीं है। अब ज़रा ध्यान देना, R क्रॉस R से R में हम लोग इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइंड किए हैं जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और भी दूसरे तरीके से कोई दूसरा फंक्शन डिफाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही फंक्शन डिफाइंड हो, और भी फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। तो अगर वो भी फंक्शन चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को भी हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक। यानी कोई एक यूनिक मैट्रिक डिफाइंड हो जाए किसी सेट पर ये जरूरी नहीं है। अगर ये सेट पर हम लोग आर सेट में हम लोग यहाँ पर एक डी मैट्रिक डिफाइंड किए हैं, अभी इस सेट में कई मैट्रिक डिफाइंड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन है वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस एग्जांपल को जो अभी हम ऐसे लिखे हैं, इस एग्जांपल को फिर से अभी लिखेंगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि प्रूव दैट डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज ए मैट्रिक ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये प्रूफ करना दे सकता है कि दिस इज ए मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जरा सबसे पहले देखो, लिखेंगे हम लोग कि
गिवन दैट डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है डिफाइंड बाय, डिफाइंड किया गया ऐसा कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। वी हैव, अब देखो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। वी हैव फर्स्ट में, सिंस मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉडुलस है ये, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले ले, इम्प्लाइज मॉड एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, सेकेंड कंडीशन जो है वो डी ऑफ एक्स वाई को अगर हम लोग जीरो पुट कर देते हैं तो बोथ साइड इम्प्लाई लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई के बदले क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, या ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, बोथ साइड इम्प्लाइज हो गया। और मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, कौन सा नंबर का मॉडुलस जीरो होता है, जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है, कोई दूसरे नॉन जीरो नंबर का मॉडुलस जीरो हो सकता है क्या, तो जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से क्या होगा, जीरो के बराबर। और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन के बारे में देखते हैं, तो थर्ड कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई लेकर के चलते हैं, इसका वैल्यू है मॉड एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ एक्स दोनों इक्वल होता है, यानी कि माइनस साइन हटा सकते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस साइन हटा देंगे तो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, और मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स। और फोर्थ कंडीशन जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लिख देंगे कि फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कि फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये जो एक्स वाई जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है आर का। यहाँ पर लिखते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स वाई जेड जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जेड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जेड को ऐड भी कर देते हैं, हम लोग जेड को ऐड भी कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टीज कि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है, तो इसी प्रॉपर्टीज से यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों में मॉड लगा देते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। अब जरा ध्यान देना क्या आ रहा है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, और इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ जेड कॉमा वाई। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गया, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफोर डी इज ए मैट्रिक, डी जो है वो एक मैट्रिक हो गया। एंड अगर इसको ऐसा लिखेंगे आर डी, तो इसको क्या कहेंगे, एंड आर डी इज ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, यहाँ पर डी इज ए मैट्रिक ऑन आर, यहाँ पर क्या कर देंगे ऑन आर, सेट रियल नंबर में डिफाइंड है, एंड आर डी इज ए मैट्रिक स्पेस। दिस मैट्रिक इज नोन एज, इस मैट्रिक को, ये जो मैट्रिक अभी हम लोग डिफाइंड किए हैं, दिस मैट्रिक इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक्स, इसको हम लोग यूजुअल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, यूजुअल मैट्रिक, जा समझोगे, ये जरूर इस चीज़ को ध्यान देना कि दिस मैट्रिक इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक, बहुत जगह हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि यूजुअल मैट्रिक, तो ये एक्चुअली मैट्रिक का ये एक मेन एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मैट्रिक क्या बताता है, डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं इसको, मैट्रिक को डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, तो डिस्टेंस ही ना ये बता रहा है दो पॉइंट का, तो इसीलिए मेन एग्जाम्पल है मैट्रिक का।
तो इस मैट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, यूजुअल मैट्रिक। बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा यूजुअल मैट्रिक, या ऐसा भी दे सकता है कि डिफाइंड यूजुअल मैट्रिक, तो उस समय ये नाम याद रखोगे, इसको हम लोग यूजुअल मैट्रिक भी कहते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ये फंक्शन डी फ्रॉम एक्स टू एक्स क्रॉस एक्स टू आर। एक्स कोई भी हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी हो सकता है, और एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो होगा इफ एक्स इक्वल टू वाई, और डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू वन होगा इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, इस मैट्रिक को, इस जो मैट्रिक स्पेस डिफाइंड हो रहा है यहाँ पर, उस मैट्रिक को हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल मैट्रिक। ये जो मैट्रिक स्पेस बनेगा उसको डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस और ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, इसको नाम से भी याद रखोगे। अब जरा ध्यान देना या समझोगे यहाँ पर कैसे इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने के पहले ये कैसे फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है वो जरा ध्यान देना कि कोई भी हम लोग एक से एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। अब नॉन एम्प्टी सेट कुछ भी हो सकता है, मान लो हम लोग 2, 3, 4 इतना ही ले लिए, तो एक्स क्रॉस एक्स एक हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 2, 3, 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं 2, 3, 4 से, तो बहुत सारा एलिमेंट आएगा, 9 एलिमेंट आएगा यहाँ पर, 2, 2, 2, 3, 2, 4 इस तरीके से और भी 9 एलिमेंट आ जाएगा। अब किसी भी पेयर का जो डी इमेज होगा वो कैसे डिफाइन किया गया, जैसे 2, 2 का अगर हम लोग डी इमेज निकालना चाहें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर ये दोनों इक्वल है, x इक्वल टू वाई, तो उस समय डी फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। अगर हम लोग 2, 3 का इमेज निकालना चाहें तो 2, 3 का क्या होगा, 1। 2, 4 का निकालना चाहें तो 2, 4 का भी होगा 1। अगर x नॉट इक्वल टू y है उस समय इसका फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो 2, 3 का 1 होगा, 2, 4 का 1 होगा। मान लो यहाँ पर तुम्हारा 3, 3 भी आएगा तो उस समय d 3, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। या 3, 4 भी आएगा तो उस समय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। या ये 2, 4 भी आएगा तो 2, 4 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब ये जरा ध्यान देना, पहले वाला जो एग्जाम्पल बताए थे वहाँ डिस्टेंस बता रहा था दो नंबर के बीच का, क्या यहाँ डिस्टेंस बता रहा है क्या, d ऑफ 2, 4 इक्वल टू 1 है, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस है ये क्या? तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस बताए, वहाँ पर डिस्टेंस से हम लोग डिफाइंड किए थे, इसको हम लोग डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, डिस्टेंस जैसा सोचते भी हैं, लेकिन ये हमेशा डिस्टेंस बताए ये ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं बता रहा है, तो ये कन्फ्यूजन आगे नहीं होना चाहिए कि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस जैसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करे ये ज़रूरी नहीं, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं लेकिन ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा डिफाइंड किया गया है कि अगर ये दोनों नंबर इक्वल होगा तो उसका डी का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा, डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं इसको। और अगर ये दोनों अनइक्वल है तो उस समय इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर इक्वल है तो 0, अनइक्वल है तो 1। अब हम लोग ये चेक करेंगे, प्रूफ करना है कि दिस इज ए मैट्रिक ऑन एक्स, तो इसके लिए 4 कंडीशन दिखा देना पड़ेगा। तो 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैट्रिक हो जाएगा। तो 4 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये नॉन नेगेटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या वैल्यू? जब भी वैल्यू आएगा तो या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, दो ही वैल्यू ही है इसका, या तो 0 है या फिर 1 है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो चलो देखो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं कि गिवन फंक्शन इज, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, गिवन फंक्शन इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, डिफाइंड किया गया है 0 है इफ एक्स इक्वल टू वाई, और ये 1 है इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, वी हैव, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का कोई भी हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं उसका, अगर हम लोग निकालते हैं उस पेयर का डी इमेज, तो वो या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, दो ही वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर 1 आ रहा है, तो 1 मीन्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स,
किसी भी एक्स का दो वैल्यू लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग डी फंक्शन लगाते हैं तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकेंड कंडीशन जो है वो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई अगर हम लोग जीरो ले लें तब क्या होगा। डी ऑफ एक्स वाई जीरो कब आ रहा है, डी ऑफ एक्स वाई जीरो कब आ रहा है, इसका वैल्यू जीरो है या वन है। तो जीरो कब आएगा, जब x इक्वल टू वाई, यहाँ तो लिखा हुआ है कि इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, बोथ साइड इम्प्लाइज करना रहता है। तो अगर x इक्वल टू वाई ले लें उस समय क्या होगा, x इक्वल टू वाई ले लें तो उस समय d ऑफ x y बराबर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर x इक्वल टू वाई है तो उस समय d ऑफ x y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर d ऑफ x y इक्वल टू जीरो होगा बोथ साइड इम्प्लाइज, दोनों केस में। अगर इसको जीरो मानते हैं तो x इक्वल टू वाई आ जाता है, x इक्वल टू वाई मानते हैं इक्वल तो ये d ऑफ x y इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो दोनों केस में ये आ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, देखो अब यहाँ पर हम लोग जो दो नंबर ले रहे हैं x और y, जो नंबर ले रहे हैं कैपिटल X सेट का, तो वो नंबर या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो अगर इक्वल होता है, लेट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जो है वो कोई भी दो मेंबर मानते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है कि इफ़ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो देन यहाँ पर एक्स इक्वल टू अगर वाई मानते हैं तो उस समय डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको हम लोग डी ऑफ वाई भी एक्स भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल रहने पर वैल्यू कितना होता है, जीरो। यहाँ पर भी तो वाई और एक्स इक्वल है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका भी वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका भी वैल्यू जीरो आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो उस समय डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वन। और डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये भी वन आएगा, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल टू है। अगर नॉट इक्वल टू रहे तो उस समय डी फंक्शन का वैल्यू वन होता है, यहाँ पर भी ये दोनों नॉट इक्वल टू हो गया तो इसीलिए डी फंक्शन का वैल्यू वन होगा। तो इस केस में भी दोनों इक्वल आ रहा है। तो अगर एक्स और वाई इक्वल लेते हैं उस समय भी ये इक्वल आ रहा है, अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई लेते हैं उस समय भी ये इक्वल आ रहा है। तो हम लोग सभी केस में कह सकते हैं कि देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स हो जाएगा, कब, जब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब फोर्थ कंडीशन जो है वो देखना है। तो फोर्थ कंडीशन में क्या प्रूफ करना है हम लोग को, देखो प्रूफ ये करना है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो एक्स वाई जेड जो है वो तीन मेंबर हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले लिखते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी थ्री मेंबर्स ऑफ सेट एक्स। अब जरा ध्यान देना, एक्स और वाई दो चीज़ हो सकता है यहाँ पर, या तो एक्स और वाई इक्वल हो सकता है, एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्स नॉट इक्वल होता है, हो सकता है। तो हम लोग पहले ये लेते हैं कि जब एक्स इक्वल टू वाई है, यहाँ लिखते हैं वन एक्स इक्वल टू वाई, तो उस समय डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग तीन नंबर यहाँ पर ले रहे हैं, कोई भी तीन नंबर ले सकते हैं, अगर ये इक्वल है तब उस समय जीरो हो जाएगा। अब ये एक्स जेड के इक्वल भी हो सकता है या एक्स जेड के इक्वल नहीं भी हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है ना यहाँ पर, कि एक्स जेड के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग तीन नंबर कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग एक्स ले रहे हैं, मान लो सपोज करो एक्स जो ले रहे हैं वो वन टू थ्री फोर है, मान लो सपोज करो टू थ्री फोर है, तो ये जो एक्स वाई जेड लेना है तो मान लो एक्स का वैल्यू टू ले लिए, वाई का वैल्यू भी हम लोग टू ले लिए, और जेड का वैल्यू हम लोग थ्री ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक्स वाई जो लिए हैं उससे उसके बराबर ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, या जेड का वैल्यू हम लोग फोर ले सकते हैं, या जेड का वैल्यू हम लोग टू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जेड के बराबर भी हो सकता है या फिर एक्स जेड के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब दो केस फिर बनेगा, तो दो केस बनेगा, इफ़ यहाँ लिखते हैं कि इफ़ एक्स इक्वल टू जेड, अगर एक्स जेड के बराबर लेते हैं तो x तो y के बराबर है और x z के बराबर है, मतलब z भी किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, तो देन z भी क्या होगा, y के बराबर होगा। वैसे केस में डी एक्स जेड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि x z दोनों इक्वल है। और डी जेड वाई क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो
वैसे केस में डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई बराबर क्या हो गया, ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो कितना आ रहा है ये जीरो, तो ये दोनों फिर क्या हो गया, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या है, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू भी तो हो सकता है, तो यहाँ तो इक्वल आ रहा है इस केस में। अब जरा ध्यान देना, यहीं पर हम लोग देखते हैं, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, अभी हम लोग क्या लिए थे कि x इक्वल टू वाई तो है ही, और x इक्वल टू जेड ले लिए थे। अगर x नॉट इक्वल टू जेड है, इफ x नॉट इक्वल टू जेड है, तो देन y भी नॉट इक्वल टू जेड होगा, क्यों या समझो, x और y तो दोनों इक्वल है, x z के बराबर नहीं है, तो क्या y z के बराबर हो सकता है क्या, ये दोनों इक्वल है, मान लो x जो है वो 2 है, y 2 है, और z जो है वो मान लो 3 ले लिए, z जो है वो x के इक्वल नहीं है, तो क्या y और z इक्वल हो सकता है क्या, तो y और z भी इक्वल नहीं होगा, तो वैसे केस में x भी z के इक्वल नहीं होगा और y भी z के इक्वल नहीं होगा, तो उस समय d ऑफ x z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और d ऑफ y z का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा। तो वैसे केस में आप d ऑफ x z प्लस d ऑफ y z यहाँ पर कितना हो जाएगा, d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y लिख दो, यहाँ पर y z नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, z y लिखते हैं, तो d ऑफ z y दोनों का सम कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2। अब जरा ध्यान देना, d ऑफ x y तो 0 है और ये इसका सम कितना है 2, तो यहाँ से और यहाँ से देखो, हम लोग कह सकते हैं कि d ऑफ x y लेस देन इक्वल टू d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन होगा, लेस देन आ रहा है ना, यहाँ पर ये 0 है और ये है 2, तो दिस इज लेस देन दिस, क्या आ रहा है समझ में। तो ये एक केस हुआ, कौन सा केस हुआ, जब x नॉट इक्वल टू y है तब, और एक और केस कंसिडर करेंगे, कौन सा केस कंसिडर करेंगे, व्हेन x नॉट इक्वल टू y, यहाँ x इक्वल टू y है, और एक केस कंसिडर करेंगे जब x नॉट इक्वल टू y हो, अगर x इक्वल टू y है तो हम लोग तो यहाँ पर दिखा दिए कि d ऑफ x y जो है वो या तो इक्वल टू आ रहा है इससे या फिर लेस देन आ रहा है, और एक दूसरा केस कंसिडर करेंगे वहाँ पर भी दिखाएंगे, दो ही चीज़ ना हो सकता है x और y को लेकर के। अब हम लोग एक दूसरा केस बनाते हैं इसी में से, केस सेकेंड हम लोग ले रहे हैं एक्स नॉट, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अब जरा समझोगे यहाँ पर कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई ले रहे हैं, तो देयर फोर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स और जेड को लेकर के क्या हो सकता है, जैसे मान लो अभी हम लोग x 2 ले लिए, y 3 ले लिए, z जो है वो तो 2 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं, कोई भी सेट का नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, तो z जो है वो x के इक्वल भी हो सकता है या फिर z जो है वो x के इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि when x इक्वल टू z, अगर x z के इक्वल है तो क्या ये y के इक्वल आएगा क्या z? यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं कि if x इक्वल टू z, x जो है वो z के इक्वल है लेकिन y जो है वो x के बराबर नहीं है, तो y तो z के बराबर भी नहीं होगा, तो then y not equal to z। अब जरा समझोगे यहाँ पर, तो therefore d of x z कितना होगा, ये तो x और z इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, और d of z y क्या होगा, ये नॉट इक्वल है इसीलिए ये 1 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं कि d ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो ये क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहा है, तो देयर फोर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल लिए हैं कि x इक्वल टू जेड, ऐसा भी हो सकता है कि x नॉट इक्वल टू जेड, x z के बराबर नहीं होगा, तो x z के बराबर नहीं है तो यहाँ पर अब दो चीज़ हो सकता है, दो चीज़ क्या हो सकता है, x नॉट इक्वल टू अब z ले रहे हैं, जैसे हम लोग z जो ले रहे हैं वो x के बराबर नहीं लेना है, सपोज करो x का वैल्यू 2 है तो z जो है वो 2 नहीं लेना है, तो मान लो 3 भी हो सकता है, तो 3 अगर करते हैं तो y और z इक्वल हो जाता है,
या z का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, तो वैसे केस में y और z नॉट इक्वल हो। तो यहां पर अब दो चीज हो सकता है y और z को लेकर के, कि y और z या तो इक्वल होगा या फिर y और z जो है वो नॉट इक्वल होगा। देन तो यहां पर y, यहां पर जो y होगा वो इक्वल टू भी हो सकता है या फिर वो z के इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में d ऑफ एक्स जेड कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल है तो 1 आएगा, और यहां पर y और z का वैल्यू कितना आएगा, y z का d फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो ऐसे केस में d ऑफ एक्स जेड का प्लस d ऑफ y z का वैल्यू क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ y z, अगर ये 0 हुआ तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 1, या अगर ये 0 नहीं हुआ 1 हुआ उस समय दोनों का सम कितना हो जाएगा 2, यही ना आएगा। तो ये दोनों का सम है या तो 1 आएगा या 2 आएगा। 1 कब आएगा, जब इसका वैल्यू 0 है, तो 0 रखेंगे तो दोनों का सम 1 आ जाएगा, और अगर इसका वैल्यू 1 है तो दोनों का सम 2 आ जाएगा। तो उस केस में भी d ऑफ एक्स वाई जो है वो या तो इसके इक्वल आएगा या फिर इससे छोटा होगा। अगर इसका वैल्यू 2 आ गया तो उस समय इसका वैल्यू जो है वो इससे छोटा हो जाएगा ना। तो देयरफॉर d ऑफ एक्स वाई या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, सॉरी यहाँ जेड वाई कर दो ज़्यादा अच्छा होगा, जेड कॉमा वाई जो यहाँ पर डिफिनेशन था वही लिख रहे हैं हम लोग, जेड कॉमा वाई। तो यहाँ पर भी जेड कॉमा वाई हो जाएगा। तो हम लोग सभी केस में देख रहे हैं, जो भी केस कंसिडर करते हैं उस सभी केस में हम लोग देख रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो वी हैव, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देयरफॉर डी इज ए मैट्रिक, डी एक मैट्रिक हो गया ऑन सेट एक्स। अब जरा ध्यान देना, इस मैट्रिक को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, ट्रिवियल मैट्रिक। और जो मैट्रिक स्पेस डिफाइंड होगा उस मैट्रिक स्पेस को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो इसको हमेशा याद रखोगे ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि कभी कभी ऐसा दे देता है कि डिफाइंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, तो वहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को याद रखना पड़ेगा, या बहुत जगह थ्योरम वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस और यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ये दोनों का डेफिनेशन और नेम के साथ याद रखना है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना, ये जो हम लोग डी डिफाइंड किए हैं वो अभी किस सेट में डिफाइंड किए हैं, एक्स सेट में। तो एक्स तो यहाँ पर लिखे हुए थे कि एनी नॉन एम्प्टी सेट, तो एक्स के बदले यहाँ आर भी दे सकता है, कहीं क्वेश्चन में यह ऐसा भी दे सकता है कि आर भी सेट ऑफ रियल नंबर एंड डी डिफाइंड है, जैसे अभी डिफाइंड किए थे वैसे डिफाइंड कर देगा आर में, तो प्रूफ करने देगा कि डी इज ए मैट्रिक। तो यहाँ पर जो एक्स लिखे थे उसके जगह यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, वहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, या फाइनाइट सेट हो सकता है, या इनफाइनाइट सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि लेट सी विद अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सेट को हम लोग तो सी से रिप्रेजेंट करते ही हैं, और एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं सी क्रॉस सी से आर में। ध्यान देना, यहाँ आर होना चाहिए, यहाँ पर तो कोई भी सेट हो सकता है, इमेजिनरी रियल या कोई भी नंबर का हो सकता है। तो सी क्रॉस सी से हम लोग आर में एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं इस तरीके से कि डी ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। तो प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो एक मैट्रिक होगा सी में। यहाँ पर जो मेंबर होता है वो एक मेंबर इसका होता है और एक मेंबर इसका होता है, तो जेड वन जो है यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जेड वन लिए हैं और यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं जेड टू। अब ये दोनों जो पेयर बन रहा है, इस पेयर में डी फंक्शन लगा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मॉड जेड वन माइनस जेड टू। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड किया गया है। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग जेड वन ले लें एक्स वन प्लस आई वाई वन, और Z2 हम लोग एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं X2 प्लस आई वाई टू, ये सपोज करो कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो प्लेन में एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है,
जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है वो x1 प्लस आई वाई वन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, x2 प्लस आई वाई टू। तो ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जरा समझना कि जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, जेड वन माइनस जेड टू दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो जेड वन का वैल्यू एक्स वन प्लस आई वाई वन है और जेड टू का वैल्यू यहाँ पर एक्स टू प्लस आई वाई टू है। इसको अगर हम लोग एक्स वन और एक्स टू को एक साथ कर दें, एक्स वन माइनस एक्स टू और दोनों से आई कॉमन ले लेते हैं तो वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा। क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसका मॉडुलस अगर लिखें मॉड जेड वन माइनस जेड टू, तो मॉडुलस कैसे निकलता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर मान लो एक्स प्लस आई वाई है तो इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, मॉड जेड इक्वल टू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का हॉल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का हॉल स्क्वायर। अब बताओ ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, ये एक डिस्टेंस फार्मूला है, तो ये डिस्टेंस बता रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड वन माइनस जेड टू का जो मॉडुलस होगा ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर भी जो डिफाइंड किया गया है फंक्शन वो एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है, जेड वन और जेड टू दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन पर, तो उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ पर ये दिखाना है कि दिस इज ए मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सी। कैसे दिखाते हैं, ये चार कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैट्रिक हो जाएगा। तो चलो देखते हैं चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन दैट, यहाँ जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे, गिवन दैट डी इज ए फंक्शन फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर डिफाइंड बाय, यहाँ जो डिफाइंड किया गया है डिफाइंड बाय इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, डी ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस जेड टू, जहाँ पर जेड वन और जेड टू होगा क्या, फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है ये, तो Z1 Z2 जो है वो C का मेंबर है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं वी हैव, फर्स्ट में हम लोग तो ये जानते हैं कि वी नो दैट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, वी नो दैट मॉड Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, तो देयरफॉर मॉड Z1 माइनस Z2 ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों, ये जेड वन माइनस जेड टू भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड निकाल रहे हैं तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। तो मॉड जेड वन माइनस जेड टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड वन माइनस जेड टू मतलब डी ऑफ जेड वन जेड टू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड वन कॉमा जेड टू बिलोंग्स टू सी। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, तो दूसरे कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेड वन जेड टू का जो डी फंक्शन है उसको हम लोग जीरो मान लेंगे। अब जरा ध्यान देना, डी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो मतलब मॉड जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो, बोथ साइड इम्प्लाइज एक साथ लिख सकते हो। अब जरा ध्यान देना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का वैल्यू जीरो कब होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो जाए, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तभी जीरो होता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो। मॉड जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पर बोथ साइड इम्प्लाई जेड इक्वल टू जीरो, ये एक ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोथ साइड इम्प्लाईज लिख सकते हैं जेड वन इक्वल टू जेड टू, तो ये कंडीशन सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या है कि डी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस जेड टू, ये तो डेफिनेशन है, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये जानते हैं माइनस जेड का मॉडुलस जेड का मॉडुलस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस हटा सकते हैं हम लोग, तो माइनस हटा देते हैं तो जेड टू माइनस जेड वन का मॉडुलस हो जाएगा, और जेड टू माइनस जेड वन के मॉडुलस को हम लोग डी ऑफ जेड टू कॉमा जेड वन लिख सकते हैं।
तो थर्ड प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड कंडीशन। अब एक लास्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, फोर्थ कंडीशन। तो ये तुम लोग जानते हो, वी नो दैट, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये चीज़ जानते हैं, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी वहाँ पर भी था कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, एक प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम आएगा वो उसके इंडिविजुअल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस जो आएगा वो उसके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे, क्या करते हैं कि लेट जेड वन जेड टू जेड थ्री कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, ये तीन मेंबर मान लिए सी का। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, डी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू निकालते हैं, डी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू। ये कैसे निकलेगा, अभी डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस जेड टू। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक नंबर को, जेड टू को, सॉरी जेड थ्री को, और जेड थ्री को यहाँ पर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं और ऐड भी कर देते हैं, और माइनस जेड टू, क्या दिक्कत है। यहाँ पर जेड थ्री को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और इसको ऐड भी कर दे रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में। इसी प्रॉपर्टीज से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो मॉडुलस होता है वो दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से लेस देन होता है, यानी दोनों में अगर मॉड लगा देते हैं तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो यहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, मतलब दोनों में मॉड लगा देंगे जेड वन माइनस जेड थ्री, और यहाँ पर भी मॉड लगा देंगे जेड थ्री माइनस जेड टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये जो है इसमें भी मॉड लगा दिए और इसमें भी मॉड लगा दिए, तो लेस देन इक्वल टू आ गया। तो ये जो है वो डी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ जेड वन जेड थ्री, और इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ जेड थ्री जेड टू। तो ये भी प्रूफ हो गया, तो देयर फोर सभी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रहा है, तो देयर फोर डी इज ए मैट्रिक, एक मैट्रिक होगा, और किस सेट में, मैट्रिक ऑन सेट सी। क्या कोई दिक्कत किसी को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मैट्रिक स्पेस का कुछ और एग्जांपल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, तो आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।